हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्टल सर्कल के द्वारा जारी की गई वैकेंसी जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के नोटिफिकेशन के बारे में। ये इंडिया पोस्ट का जीडीएस अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। यहाँ पर सभी सर्कल के नाम दिए गए हैं। जिस भी सर्कल का आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से डिवीजन या सिटी शो होंगे। जिस भी सिटी का आप देखना चाहते हैं उसमें आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस नेम और पोस्ट डिटेल्स देख सकते हैं कि किस पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सी वैकेंसी जारी की गई है। यदि आपके पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो आप पेज को बढ़ा या घटा कर आप अपने अनुसार यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नेम देख सकते हैं। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। यहाँ पर सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट डिफाइन की गई है। जिस भी सर्कल का आप देखना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए 1716 पोस्ट हैं और सभी सर्कल को मिलाकर 38,926 पोस्ट हैं। यहाँ पर सर्कल वाइज लैंग्वेज दी हुई है। आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए तेलुगु भाषा रिक्वायर्ड है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ये ग्रामीण डाक सेवक का डिटेल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो 38,926 पोस्ट जारी की गई है ग्रामीण डाक सेवक की, जिसमें से बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्टमास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एवं डाक सेवक की है। इसके फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट 2 मई 2022 है और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 5 जून 2022 है। यहाँ पर बीपीएम कैटेगरी के लिए टीआरसीएस स्लैब जो है ₹12,000 पर मंथ है। एबीपीएम और डाक सेवक के लिए ₹10,000 पर मंथ है। इसमें अभी अदर अलाउंस इंक्लूड नहीं है। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। आपकी जो एज है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपर एज में छूट दी गई है, जो कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स की। यदि आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 13 ईयर्स की छूट दी गई है। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 15 ईयर्स की छूट दी गई है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ। यहाँ पर जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। एटलीस्ट 10th क्लास तक लोकल लैंग्वेज के रूप में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाने का नॉलेज है तो आपको साइकिलिंग का नॉलेज माना जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ₹100 की पेमेंट करनी होगी। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वोमेन या ट्रांस वोमेन कैंडिडेट हैं तो आपको फीस में छूट दी गई है। जॉब प्रोफाइल, यहां पर आप ब्रांच पोस्टमास्टर यानी कि बीपीएम की जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं और यहां पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की और यहां पर डाक सेवक की। इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस होगा, यानी कि 10th क्लास के मार्क के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसके लिए कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।